हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की वीडियो होने वाली है एक्ने पिंपल के लिए। जो लोग एक्ने पिंपल से परेशान हैं उनके लिए आज की वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। सो फ्रेंड, मेरे पास यहाँ पर है क्लीन जेल। ये बहुत ही असरदार दवा है एक्ने पिंपल के लिए। 2 से 3 दिन में ही अपना असर दिखाती है। ये प्रोडक्ट की बहुत ही अच्छी है। ये आपको कोई भी मेडिकल स्टोर में ईजिली अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड, ये 20 ग्राम का प्रोडक्ट है और इसका जो MRP है 130 रुपीज़ है। इसको मैन्युफैक्चर करता है एस्ट्रो लैब्स। फ्रेंड, अगर आपको ये वाला जेल नहीं मिले तो यही कंटेंट वाला आप कोई भी और जेल यूज कर सकते हो, ठीक है। और भी ब्रांड का ये कंटेंट वाला जेल आता है। और प्रीवियस वीडियो में मैंने इसका रिव्यू किया हुआ है, एक बार उसे भी आप चैनल में जाके चेकआउट कर सकते हो। फ्रेंड, ये जेल एक्ने पिंपल के वो तो रिड्यूस करता है, साथ ही जो पिम्पल्स के मार्क्स रह जाते उसको भी रिड्यूस करता है। हल्के फुल्के जो डार्क स्पॉट्स की जो प्रॉब्लम होती है उसको फेड आउट करता है। एंड जिनकी स्किन ऑयली है, स्किन पर चिपचिपापन रहता है, उसको भी कंट्रोल करता है, ठीक है। इसमें 2 कंटेंट का यूज किया गया, एक है क्लिनामाइसिन, दूसरा है निकोटिनामाइड। क्लिनामाइसिन जो होता है एक एंटीबायोटिक होता है जो पिंपल्स में होने वाले बैक्टीरिया को ख़त्म करता है, पिंपल्स को भरने नहीं देता। और जो निकोटिनामाइड है उसमें एंटी इंफ्लामेटरी का गुडनेस पाया जाता है। निकोटिनामाइड पिंपल्स के रेडनेस, जलन को हील करने में हेल्प करता है, साथ ही आपके इनलास ओपन पोर्स को सिंक करने का काम करता है, आपके अनइवन स्किन टोन को इवन करने का काम करता है, साथ ही फाइन लाइन रिंकल्स के डलनेस को भी रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। काफ़ी इफेक्टिव जेल है ये। स्किन के डलनेस को दूर कर देती है, स्किन पर नेचुरल सा ग्लो आता है इसे यूज करने से। फ्रेंड, ये जेल को मोस्टली डर्मो भी रिकमेंड करते हैं। इसे यूज करने से स्किन पर किसी भी टाइप का इचिनेस, चिपचिपापन फील नहीं होता है। ये ट्रांसपेरेंट जेल है एंड लाइक एलोवेरा जेल है, स्किन पर इजिली ऑब्जर्व हो जाता है, बिल्कुल भी चिपचिपापन नहीं करता ये। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने फेस पर कुछ अप्लाई किया, ठीक है। तो इसे आपको नाइट में यूज करना है, डे टाइम भी आप यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है नाइट में यूज करना है। बट ये क्या होता है कि नाइट में कोई भी मेडिसिन हो अच्छे से काम करता है। पहले अपने फेस को वॉश कर लेना है, उसके बाद ये जेल को लेके जहाँ जहाँ आपके पिम्पल्स हैं वहीं वहीं लगाना है, ठीक है। अगर आपके पूरे फेस पर छोटे छोटे दाने हैं ना, तो फिर आप पूरे फेस पर भी अप्लाई कर सकते हो। फ्रेंड, इसे फर्स्ट टाइम यूज करने से मे भी स्किन थोड़ी ड्राई लगे, 2-3 दिन ऐसा लग सकता है। तो इसे लगाने के बाद थोड़ी देर बाद आप कोई अच्छा मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड, अगर आपको ना थोड़े बहुत पिंपल्स है, टाइनी पिंपल्स है, उसके लिए बेस्ट मेडिसिन है। अगर आपके फेस पे बहुत सारे बड़े बड़े पिंपल्स है, पस वाले पिंपल्स है, तो ना डॉर्मो से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। सो फ्रेंड, यही थी मेरी आज की रिव्यू इस प्रोडक्ट के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। फ्रेंड और फैमिली साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।